है ना, बहुत अच्छा चैप्टर है भैया, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। स्प्रिंग ऑफ द फोर्स कॉन्स्टेंट के है, एक स्प्रिंग है, अगर इसकी स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है, चलो के ही लेते हैं जनरली, इसको मैंने तीन पार्ट में कट किया चाकू से, कुछ भी से जैसे आपकी मर्जी, एक छोटू, उससे थोड़ा सा बड़ा और उससे थोड़ा सा और बड़ा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि K1:K2:K3 1:2:3, इस तरह से मैंने तीन पार्ट में कट कर दिया। अब फिर कट करने के बाद उसको एक बार मैंने सीरीज में जोड़ा और एक बार मैंने पैरेलल में जोड़ा। तो इन दोनों का सीरीज और पैरेलल का रेशियो निकालना, के डैश सीरीज में है, के डबल डैश पैरेलल में है, तो इन दोनों का रेशियो लेना मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर जोड़ना ही था तो काटे क्यों, है ना, फिर भी सवाल बनाना ना भैया। तो पहला जो K1 हो जाएगा ओरिजिनल, वो के हो जाएगा, और दूसरा जो K2 हो जाएगा वो 2K हो जाएगा, और तीसरा K3 हो 3K हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल K था रेशियो के टर्म में। अब आपको सीरीज में हमें याद रखना है कि स्प्रिंग का जो समेशन है वो रेजिस्टेंस के अपोजिट चलता है। रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे होते थे, R=R1+R2, या 12th में कैपेसिटर पड़े होंगे तो कैपेसिटर के जैसे स्प्रिंग चलता है। तो सीरीज में 1/K′=1/K1+1/K2+1/K3, भाई इन तीनों को जोड़ोगे तो एक सीरीज में, तो एक नया स्प्रिंग कांस्टेंट K मिलेगा। सीरीज में मतलब होता है इंड टू इंड जोड़ना, K′ मिला, तो उस K′ की मेरे प्यारे बच्चों जो वैल्यू आ जाएगी 1/K+1/2K+1/3K। तो इसको जोड़ लोगे तो 1/K कॉमन आ गया, और LCM 6 हो गया, 6 5, और LCM 6 हो गया तो 6+3+2 11 क्या जाएगा, 11/6K, दैट इज द K′ की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6K/11। इसको अभी ऐसे रहने दो। अब हम लोगों को चाहिए पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में डायरेक्ट होता है प्यारे बच्चों K′=K1+K2+K3, तो ये 1K 2K and 3K, तो ये मिला के 6K। तो डिवाइड कर दो, K′/K′ का रेशियो चाहिए तो 6K/11 और K′=6K, तो 6K ने 6K क्यूब, तो 1/11, दैट इज द फाइनल सोल्यूशन। तो 1/11 ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है, बी ऑप्शन सही है ना। ये तो आसान था। एक कहता पार्टिकल एग्जीक्यूट लीनियर।